तेरा कितना बाला है, ईश मेरा कितना बाला है, मेरी चिंता सारे मिट गए हैं तेरे पास आते, ईश मेरा कितना बाला है, मेरी चिंता सारे मिट गए हैं तेरे पास आते, ईशु मेरा कितना भला है, ईशु मेरा कितना भला है, जो मेरी सारी चिंताएं मिट गई हैं उसके पास आते ही है। आपकी भी सारी चिंताएं मिट जाएंगी जब आप प्रभु को जान पाएंगे, प्रभु को पहचान पाएंगे, वो प्रभु जब आपके संग रहेंगे, वो आपके परमेश्वर होकर आप उनके संतान होकर रहेंगे, वे निरंतर जब आपके साथ में रहेंगे आपकी सारी चिंताएं मिट जाएंगी, वे निरंतर आपके करीब रहेंगे, आपके हाथ थाम में चलेंगे, चिंताएं दूर हो जाएंगे। जो प्रभु को प्राप्त करते हैं वे सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं होगी क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मिलकर गीत गाते समय विश्वास के साथ में परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, उनकी आराधना करें। मेरी चिंता सारे मिट गए हैं तेरे पास आते ही, ईशु मेरा कितना भला है, मेरी चिंता सारे मिट गए हैं तेरे पास आते ही, ईशु मेरा कितना भला है, ईशु मेरा कितना भला है, ईशु मेरा कितना भला है, मेरी चिंता सारे मिट गए हैं तेरे पास आते ही, ईशु मेरा कितना भला है, मेरी चिंता सारे डाल दे, तूने मुझे नहीं छोड़ा, चाहे कितने कठिनाइयों में मुझे डाल दे, तूने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे सारे अपने ही भले मुझे छोड़कर चले। हो सकता कोई संकट कोई संदर्भ ऐसी आ जाए जहां पर आपके सारे अपने भी आपको छोड़कर जाए, हो सकता आप अकेले पड़ जाए, हो सकता है सभी आपके साथ में है लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, कोई आपकी सहायता नहीं कर पाते हैं, कोई आपको समझ नहीं पाते हैं, कोई आपके संग रह नहीं पाते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस करते हैं, लगता है कि सारी संसार ने आपको छोड़ दिया है, आपको लगता है कि सभी लोगों ने आपका हाथ छोड़ दिया है। ये गीत गाते समय परमेश्वर को याद करते समय इतने बातों को याद रखना, भले सारी संसार में छोड़कर जाए। वचन कहता है कि हो सकता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को भी भूल सकती है, संभव हो सकता है ये, लेकिन जो परमेश्वर ने आपको सुझा है, जो परमेश्वर ने आपको नाम लेकर पुकारा है, जिस परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया है, और जो परमेश्वर यशा नबी के माध्यम से कहते हैं अपने हथेलियों के ऊपर, मैं जब भी अपने हथेली को देखता हूँ मुझे वो स्मरण वचन याद आती है, ये परमेश्वर ने अपने हथेली के ऊपर मुझे खोद कर बनाया है, आपको खोद कर बनाया है। तो परमेश्वर जब आपके साथ में है, आप परमेश्वर कितने करीब है उनके सामने है, उनसे दूर आप नहीं है। तो इस गीत को गाते समय
अकेलेपन महसूस करते समय इन बातों को याद रखें, मेरे सारे अपने भले है ही वो परमेश्वर हमारे संग है, उनकी करुणा तो हमेशा हमारे ऊपर रहती है, उनकी करुणा सदा के हमारे साथ बनी रहती है। वो परमेश्वर अपने वादे के पक्के हैं, छोड़ते नहीं है वो, परंतु हम ही उनको छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता संसार की मायाओं में पड़ जाते हो सकता पाप में गिर जाते हो सकता किसी और कारण से, किसी और की लालच में, किसी और की चाहत में, किसी और की मोह में हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले जाते हो, अपराध कर बैठते हैं, पाप कर बैठते हैं, और वही पाप हमें परमेश्वर से दूर करती है। वही पाप है जो परमेश्वर की कृपा से दूर कर देती है, वही पाप है जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने से दूर कर देती है। जब एहसास कर पाते हैं मैं घोर पापी हूं और मेरे पाप के कारण से मैं परमेश्वर को देख नहीं पाता, मेरे पाप के कारण से मैं परमेश्वर के पास नहीं जा पाता, वही पाप का कारण है जो मुझे परमेश्वर की उपस्थिति से, उनके अभिषेक से, उनके सानिध्य से दूर रखता है। एहसास जब होती है एक छोटी समर्पण, एक छोटी कबूली प्रभु के पास जाकर, कितना घोर पापी था मैं, सारे मिट गए हैं तेरे पास आते ही, यीशु मेरा कितना भला है। आमेन हालेलुया। जिस समय मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया है,
मेरी चिंताएं सब कुछ हटकर दूर हो चुकी हैं जिससे मैं प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त किया था। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए हैं, मेरी चिंताओं को मिटने का अर्थ है, मेरी चिंताओं को हटाने का अर्थ है वो परमेश्वर मेरे स्वयं हो चुके हैं, और जिसके लिए मुझे घबराने की जरूरत नहीं है और किसी चीज के लिए मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ वही परमेश्वर देखते हैं, मेरी पालन पोषण भी वही खुदावंत करते हैं, मेरा सब कुछ उन्हीं के हाथों में है, मेरी सारी जिंदगी का मालिक वो बन चुके हैं। जब आप यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेते हैं, उस समय से आपका जीवन का मालिक प्रभु का अर्ध है, आपने प्रभुता दे दिया है, प्रभु का अर्ध है कि आपने परमेश्वर के हाथों में सब कुछ दे दिया है, अपने आप को समर्पण कर दिया है, अब से वो आपके प्रभु हैं, अर्थात आपके जीवन के मालिक हैं। जो कुछ भी तय करते हैं परमेश्वर आपके लिए तय करते हैं। अगर से कुछ खराब है, विरुद्ध में है, प्रभु चाहते हैं कि हम नम्रता के साथ में जाएं और उस चीज को बदल ले और परमेश्वर के हाथों में दे दें। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। यीशु के जीवन क्रम में एक और बार हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की कहते हैं। वचन में हम लोग गौर कर रहे थे किस प्रकार से एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने हुआ करते हैं जिब्राइल, धरती के ऊपर भेजे गए हैं ताकि जकरिया के पास जाकर उन्हें बता दे, जकरिया तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तुम्हारी चिंताएं मिट चुकी हैं और परमेश्वर ने एक संदेश तुम्हारे पास इस प्रकार से उत्तर में भेजा है कि अगले साल तुम्हारा एक बेटा होगा और उस बेटे का नाम तुम यूहन्ना रखोगे। लेकिन जकरिया ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है, मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, हमारे यहां से माता पिता होने की हमारी जो शारीरिक स्थिति हमारी है, जो परमेश्वर की हैं, एक विधि को परमेश्वर ने जो रखा है वो विधि है, एक जवानी हमारी, जब जवानी में हमने प्रार्थना की थी वो प्रार्थना उस समय तो उत्तर को नहीं लाई थी, आज बुढ़ापे की ओर गए हैं, हमारी उम्र वैसे दादा दादी की उम्र है, लेकिन पिता होने के, माता होने के आप उम्र के बारे में बताते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है। जकरिया ने जब थोड़ी सी संदेह को दिखाया था, परमेश्वर के सामने रहने वाला उस स्वर्गदूत ने कहा, जकरिया जब तक तुम इसे संभव होता हुआ नहीं देखोगे तब तक मौन रहोगे। और इन्हीं शब्दों के कारण से ऐसे ही हुआ कि जकरिया गूंगा होकर जब तक यूहन्ना जन्म नहीं लिया और जब तक यूहन्ना का नामकरण नहीं हुआ, जिस दिन यूहन्ना का नामकरण हुआ उसी दिन जकरिया फिर से बोलने लगा। जकरिया के पास से, जकरिया के घर से निकला हुआ वही जिब्राइल मरियम के यहां पर जाते हैं, मरियम को अभिवादन करते हैं, मरियम को शुभ संदेश देते हैं और मरियम से कहते हैं कि जग का उद्धारक तुम्हारे घर से आने वाला है। मरियम ने कहा, प्रभु ये कैसे संभव हो सकता है। फिर मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी हूं, जो चाहे उसे कर सकते हो। और इसी प्रकार से हुआ। मरियम को हमने देखा है वहां से वो सीधे चली जाती है एलिशिबा के घर, अर्थात जकरिया की पत्नी एलिशिबा के घर पर जाती हैं, और एलिशिबा के साथ में जैसे उनके घर पर प्रवेश करते ही मरियम ने उन्हें अभिवादन किया था। जैसे उनको अभिवादन किया, एलिशिबा पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई थी, एलिशिबा पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गई और एलिशिबा के गर्भ में जो यूहन्ना बच्चा था, जो लगभग 6 महीने का था, वो बच्चा उछलने लगा, कूदने लगा और कहती है, देख तेरे नमस्कार के शब्द सुनते ही, तेरे नमस्कार के शब्द सुनते ही। ये लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 40 वचन में देखते हैं। और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कल रात को इसी बातों को हमने ध्यान किया था, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता को हम जिस प्रकार की परमेश्वर की पूर्णता में प्रवेश करना है। आगे बढ़ते हैं 43 वचन में देखते हैं, 42 वचन में, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, मरियम के विषय में कहते हैं, तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है, और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ। कितनी सुंदर शब्दों की बात करते हैं। मनुष्य रूप में है यहां पर एक स्त्री है जो कुमारी है मरियम, और एक स्त्री है जो बूढ़ी हो चुकी है, दोनों गर्भवती हुई हैं और दोनों का गर्भ
असाधारण तरीके से हुआ है, परमेश्वर के चमत्कार से हुआ है। क्या कहते हैं एलिशिबा, सुनिए। एलिशिबा कहती है, ओके, 43 वचन में, और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता, उन्होंने नहीं कहा मेरे रिश्तेदार ही है, उन्होंने नहीं कहा, परंतु कहती है जो गर्भ में यीशु है, मरियम के गर्भ में यीशु है, उन्हें उन्होंने प्रभु के रूप में देखा था। यीशु के जन्म के बाद में, बालक यीशु को गोद में लेकर याजक शिमोन ने कहा था, हे प्रभु, मेरी आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए, मेरी आंखें उद्धार को देखने के लिए तरस चुकी हैं, और मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, मुझे यहां से संसार से जाने की अनुमति नहीं मिल रही थी, अब विदा कर दे मुझे ताकि मैं संसार से चला जाऊं। एक बुजुर्ग याजक इस बालक यीशु को लेकर नाधा कहते हैं, प्रभु कहते हैं। आज एलिशिबा क्या कहती है, गर्भ में पैदा होने से पहले गर्भ के अंदर जो उत्पादन हुआ है, उस शिशु के विषय में कहती है, मुझ पर यह कैसी अनुग्रह हुई है कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है, मुझ पर कैसी अनुग्रह हुई है। 44 वचन में देखें, और देख जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, जो ही तेरे नमस्कार पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। मेरा बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा, क्यों? तेरे अभिवादन के शब्द है वो, नमस्कार के शब्द है। किसके शब्द है ये? मेरी प्रभु की माता की ओर से आ रही है, मेरी प्रभु की माता की ओर से आ रही है। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई है वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मरियम कहते, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। गर्भ में उन्हें अपनी संतान के रूप में देख रही है, लेकिन वो प्रभु है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उनके घर में पले हैं। कहते, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं। पीढ़ी से पीढ़ी तक उनकी डर बनी रहती है, उनकी दया बनी रहती है। परमेश्वर की दया किसके ऊपर है? जिनसे जो उनके ऊपर डर को रखते हैं, जो उनके डरवयों में चलते हैं, और उसकी दया पर है, और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को ऊंचा किया, उसने भूखों की अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को छुच्चे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादू से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। कल रात को हमने ध्यान किया था, मरियम पवित्र आत्मा से पूर्ण है। मरियम के घर में यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता है। पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर एलिशिबा है, एलिशिबा के घर में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। दोनों माता यहां पर, दोनों स्त्रियां यहां पर आपस में बातें करते हैं। अभिवादन के शब्द अगर इतने सुंदर थे, अभिवादन के शब्द इनके नमस्कार के शब्दों से ही, अगर एलिशिबा पवित्र आत्मा पूर्ण हो जाती है और उनके पेट में का बच्चा आनंद से उछलने लगता है, 3 महीने आमने सामने रहते हुए, 3 महीने एक दूसरे के संग रहते हुए, 3 महीने संगति करते हुए, 3 महीने बातें करने वाले, 3 महीने परमेश्वर की बड़ाई करने वाले, इनके कारण से इनका घर का माहौल कितनी आनंदमय होगी। परमेश्वर की तेज से भरी हुई घर होगी ये, परमेश्वर की प्रकाश से भरी हुई घर है ये, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उसमें उपस्थित है। महिमा में परमेश्वर चाहते हैं हर एक ख्रिस्ती का घर इतनी तेज से भरा हो, हर एक ख्रिस्ती का घर ऐसी महिमा से भरी हो, हर परमेश्वर के संतान का घर और परिवार इसी प्रकार तेजोमय और प्रकाशमान हो, जहां पर परमेश्वर के अभिवादन के शब्दों से लोगों के मन में शांति पहुंच जाए। परमेश्वर के अभिवादन के शब्दों से आपके दिलों में शांति पहुंच जाए, आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा की पूर्णता प्रवेश कर जाए। खुदावन चाहते हैं हम सब मसीह लोग इसी प्रकार से चल पाए। लगभग 3 महीने उनके साथ रहने के बाद अपने घर वापस लौट गई हैं। तब एलिशिबा के जन्म का
जनने का समय पर पूरा हो चुका था और वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वह बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जखरिया रखने लगे। जिनके रिश्तेदार थे वे सब लोग आकर इनके पिता के इनका नाम इनके पिता के अनुसार जखरिया रखने लगे थे। सब पड़ोसी लोग आए थे, कुटुंबी लोग आए थे, सब लोग मिलकर इनका नाम जखरिया रखने लगे थे। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम के अनुसार जखरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। मां का किसी ने पूछा नहीं, तो अपने आप रखने के लिए चल पड़े थे। पिताजी गूंगे हो चुके थे, इसलिए पिताजी से कुछ पूछा नहीं है। जकरिया ने परमेश्वर के बातों को, स्वर्ग से जो उतरा जब्राइल, जब्राइल की बातों को इन्होंने विश्वास नहीं किया था, संदेह दिखाया था, इसलिए कहा है जब तक यह संभव ना हो, पुत्र ना जने, तब तक तू मौन रहेगा। और जकरिया मौन हो चुका, गूंगा हो चुका है, इसलिए जकरिया से नहीं पहुंचते हैं। पड़ोसी आते हैं, कुटुंबी आते हैं और सीधा इनका नामकरण करने लगे हैं और इन्हें जकरिया के नाम के अनुसार एक नाम देने लगे थे। लेकिन माता ने, इलिशिबा ने कहा है इसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। तब सब लोग चौंक गए और आश्चर्य करने लगे। 61वां वचन में हमारी ध्यान लुका सुसमाचार पहला अध्याय का 61वां वचन में चल रहा है। और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा क्योंकि तेरे कुटुंब में कोई व्यक्ति यूहन्ना का नाम नहीं, ये कुटुंब के बाहर से आ रही है। परंपरा है कुटुंब का कि पिता के नाम से, उनके पिता के नाम से कुछ जोड़ते हुए, कुछ और लगाते हुए बच्चों को नाम दिया जाए। तेरे कुटुंब में ऐसा किसी का नाम नहीं है, ये नाम कहां से आया है? तब उन्होंने उसके पिता को संकेत करके पूछा कौन सा नाम रखा जाए। तो 63वां वचन में कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, क्या रखना चाहता। और उसने लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। और सबों ने अचंबा किया, सबों ने अचंबा किया। अचंबा की दूसरी बड़ी बात क्या है? तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। मानो ऐसा हो गया कि इसके मुंह और जीभ को किसी ने ताला लगाया हो, अचानक से वो खुल गया है। और जकरिया भी परमेश्वर की महिमा करते, उनका धन्यवाद करते हुए बोलना शुरू कर दिया। कब संभव हुआ है? जिस प्रकार जिब्राइल ने कहा था जब तक बच्चा न जने, उसका नाम तो यूहन्ना न रखे, तब तक तो मौन रहेगा। अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे होता है कि हम परमेश्वर के वचनों को जब विश्वास नहीं कर पाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती जो हमारे लिए बहुत गंभीर लगती है, बहुत बड़े लगते हैं। कुछ बातें ऐसे लगती है जो हमें लगता है कि क्या परमेश्वर ऐसे काम को कर पाएंगे, क्या परमेश्वर के लिए संभव है। पवित्र शास्त्र में अगर आप उत्पत्ति किताब से छानबीन करते हो, आगे बढ़ते जाएंगे, उसका अध्ययन करते, उसका विश्लेषण करते हुए, परमेश्वर कई दफा कहते हैं क्या कोई ऐसा काम मेरे लिए कठिन है, क्या कोई ऐसा चीज है जो मेरे लिए असंभव है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन और असंभव नहीं है। बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में इब्राहिम को संतान दिया था परमेश्वर ने, बूढ़ी उम्र बांज रही हन्ना को उन्होंने संतान दिया था, एलीशिबा को देखते हैं हम, कुमारी मरियम को देखते हैं हम। परमेश्वर के लिए कौन सा काम असंभव है? शून्य में से सारे संसार को लेकर आ सकते हो, परमेश्वर उनके लिए कौन सा काम असंभव है और कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, कोई काम असंभव नहीं है। आपके जीवन में अगर आप इसी कुछ चीजों को रखे हैं, कुछ आपकी प्रार्थना है जिन्हें आपने 5 साल पहले भेजी हो, 1 साल पहले भेजी हो, 10 साल पहले भेजे हो, याद रखे जकरिया ने, एलीशिबा ने प्रार्थना की थी। परमेश्वर का वचन उनके बारे में क्या कहता है? वे धर्मी थे, परमेश्वर के राह पर निष्ठा के साथ चलते थे, परमेश्वर के राह पर निष्ठा के संग चलने वाले धर्मी जन की प्रार्थना। परमेश्वर के ओर से क्या कहता है जब उनके बुढ़ापे में कहते हैं कि उनकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने पहुंची और उनका उत्तर आ चुका है। धर्मी जन की प्रार्थना, ये ना सोचना मेरी प्रार्थना ना सुने जाने का कारण क्या कोई अपराध है, कोई पाप है। हो सकता है, हो सकता है, संभावना हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पाप है, कोई अपराध है जो परमेश्वर से आपको दूर रखती है और प्रार्थना को परमेश्वर, प्रभु के पास जाइए, एक छोटा मन, एक छोटा सा समर्पण कीजिए, एक छोटा सा, प्रभु मेरे अपराधों को, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे राह को सिर कर दीजिए, मुझे सही राह पर चला दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। एक छोटी प्रार्थना अपने के लिए,
परमेश्वर तुरंत आपके पापों को क्षमा करेंगे और परमेश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु जानते हैं आपके लिए कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, और आपके लिए कौन सा काम कौन से समय पर करना है, ये परमेश्वर आपसे ज्यादा खुद जानते हैं। अब्राहम के जीवन में देखा महान कार्य हुआ है, हमने हन्ना के जीवन में देखा बहुत महान काम हुआ है, इसराइलियों का सबसे पहला नबी को हमने इस प्रकार से देखा है, इसराइलियों का आखिरी न्याय के रूप में शमूएल को देखा है, और यहां पर पहले जाते हैं स्वर्ग राज के बारे में घोषणा करते हैं। यीशु मसीह संसार में स्वर्ग के बारे में बयान करने से पहले यूहन्ना जाकर स्वर्ग के बारे में लोगों को प्रचार कर चुके हैं, काफी सारे लोगों को बपतिस्मा भी दे चुके हैं, सभी से कहता है मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट आ चुका है, मन फिराओ, पश्चाताप करो, बपतिस्मा प्राप्त करो, स्वर्ग राज प्रवेश करो। यीशु मसीह उसके बाद जाते हैं, बपतिस्मा पाते हैं। इन बातों को हम श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन कहने का अर्थ यह है देर होती है दुरुस्ती भी होती है, दुरुस्ती के साथ महानताएं भी होती हैं, परमेश्वर के महान कार्य आपके जीवन में होंगे। कभी यह ना सोचना परमेश्वर आपकी प्रार्थना का अनसुनी करते, बाकी सबकी प्रार्थना सुनते हैं। अगर ऐसे संदेह आपके मन में पैदा होती है आज रात उसे निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके पड़ोसी को भी प्रेम करते हैं, आपके रिश्तेदार को भी प्रेम करते हैं, आपको भी प्रेम करते हैं, सबको एक समान प्रेम करते हैं, किसी से कम किसी से ज्यादा परमेश्वर नहीं करते हैं, सभी के साथ एक साथ प्रेम को दिखाते हैं। लेकिन आपका जीवन अलग है, उनका जीवन अलग है, आपकी जरूरत अलग है, उनकी जरूरत अलग है, आपका समय अलग है, उनका समय अलग है, आपके साथ परमेश्वर की योजनाएं प्रणाली अलग है, उनके साथ जो योजना है उनकी प्रणाली जो है वो भिन्न है। इसलिए किसी के साथ तुलना ना करना किसी के साथ तुलना ना करना, किसी को ज्यादा मिला है तुलना ना करना, किसी को कम मिला तुलना ना करना, कोई आपसे ज्यादा धनवान है किसी के साथ तुलना ना करना। आपका जीवन बिल्कुल अनोखा है, अनोखा मीन्स यूनिक है, एकमात्र है वो, आप एकमात्र इस संसार में है, आपका जिंदगी अनोखा है। तो अनोखे जीवन को उस अनोखे परमेश्वर के पास लेकर जाए, उस अनोखे प्रेम के पास लेकर जाए, और उस परमेश्वर से कहे कि प्रभु अपने समय पर आप करना, उसे पाने का धीरज और संयम मुझ में रखना, मुझ में धीरज रखना ताकि मैं उसे स्वीकार कर सकूं। परमेश्वर इन शब्दों के साथ में आपको असरात बहुत अद की आशीष दे, आपकी हर प्रार्थना उत्तर लेकर निश्चय नीचे आएगी, अपने समय पर आएगी। आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाते प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को उत्तर देने वाले खुदावंत आपकी शुक्र अदा करते हैं। हमारे यीशु मसीह की जीवन क्रम की श्रृंखला में आप हमारे संग रहे हैं, इतने दिनों से प्रभु हमसे बातें कर रहे हैं, आज रात फिर से एक बार मरियम एलिशिबा और जिक्राल और प्रभु जी जकरिया और जिब्राल के शब्दों के साथ में, इब्राहिम के विशेष के साथ प्रभु जी, इस प्रकार से हन्ना के प्रभु जी उनके जीवन के भी हम आप सब हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। योना के विषय में जिस तरह से आपने कहा है प्रभु, उद्धार का जिस तरह यीशु मसीह संसार में किस तरह से आए हैं, सारी बातों का आपने खुलासा किया है। हमारी प्रार्थनाएं आपके सामने है, जकरिया के प्रभु इस जीवन से आपने हमारे पास लेकर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी अनुग्रह जिस तरह से और आपकी दया जिस प्रकार से मरियम के ऊपर हुआ, उसी प्रकार से हमारे ऊपर भी होगी प्रभु, इसे भी आपने हम पर एहसास दिलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन सुनना हमारे परिजनों के लिए हम खासकर दुआ करते हैं, एक एक व्यक्ति को प्रभु उनकी आवश्यकताओं को जाने, उन्हें प्रभु अपने समय पर उन्हें पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। अगर प्रभु जी उन्हें प्रभु जी संयम से दूर होते हैं, दुआ करते हैं आपके संयम आपके धीरजों तक पहुंचा दीजिए, ताकि प्रभु आपको जान पाए, पहचान पाए, आपके संग चल पाए, और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए प्रभु विश्वास की यात्रा में स्थिर खड़े हो सके। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए कल शाम का संग प्रभु जी सोमवार के शाम का संगति का समय प्रदान करें, तब तक हमारी सारी प्रार्थना को उत्तर हम तक लेकर आइए। अगर हमारे यहाँ पर मिलने से पहले आपके पुत्र के आगमन बादलों के पर संभव होगी, तो स्वर्ग राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। आपने हमारे हर एक प्रार्थना को सुनकर हम तक उत्तर पहुंचे, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष प्रदान करे, अपना ख्याल रखिएगा, हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर बहुत खूबसूरती के साथ में अपने समय पर लेकर आते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और साथ ही साथ में आपको जो परमेश्वर ने बरकतें दी हैं उससे दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।